नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि मंदिर में जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते वक्त या फिर प्रार्थना करते समय हमें अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए या फिर आंखें खोल के प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, अपने वीडियो में आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम आपको बताते हैं कि मंदिर में जाकर हमें आँख बंद करनी चाहिए या फिर आँख खुली रखनी चाहिए पूजा करने के बाद। तो हमें मंदिर में जाके पूजा करते समय या फिर पूजा करने के बाद हमें अपने आँख बंद नहीं करनी चाहिए, हमें आँख खोल के ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि हम मंदिर में जब जाते हैं ना तो हमें अपने आँख भर कर, कहा जाता है ना कि भगवान के सामने जब आए हैं तो भगवान को आँख भर की देख लो, भोलेनाथ को जितना जी मन करे उतना अच्छे से अपने आँखों में अपने मन में बसा लेना चाहिए। हाँ, यदि हमको आँख बंद करने का ध्यान करने का मन है तो हम पूजा पाठ अच्छे से, पहले जो हमको पूजा करनी है भोले बाबा की, पूजा पाठ करने के बाद हम मंदिर में सीढ़ियों की तरफ जाके बैठ के और अपनी आँखें बंद करके और वहाँ से फिर प्रभु का 2-4 मिनट बैठ के प्रभु का ध्यान करके उसके बाद फिर हम अपने घर की तरफ जा सकते हैं। तो आज की मेरी यही जानकारी थी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।